पवन ढाकला। दोस्तों अभी मैं रात का समय है और अभी मैं खड़ा हूँ दादूपुर रोडान और नरूखेड़ी के मेन बस स्टैंड पर। और यहाँ पर जो है कि आप ये मेन रोड है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो इधर ये गांव नरूखेड़ी है और ये इधर अगर आप इस बिल्डिंग के साथ में देखेंगे तो गांव है दादूपुर रोडान। तो दोस्तों ये दोनों गांव ही कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक गांव हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस तरह का एक जगह जो मेन रोड के ऊपर बनाई गई है, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। और कहीं ना कहीं यहां पर जो इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद है वो मकसद ये है कि गांव नरूखेड़ी और गांव दादूपुर दोनों का आपसी बहुत भाईचारा है। और इन मेन जो इसके बनाने वाले हैं वो हैं कर्नल गुरमीत सिंह जी, जो गांव दादू अपना नरूखेड़ी से हैं। और ये देखिए दोस्तों, मेन जो मकसद है वो ये है कि दोनों गांव की जो बेटियां हैं वो यहां पर अपने स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, और उनको एक सुरक्षा का माहौल देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये यहाँ पर कमरे भी बने हैं। दोस्तों आप देखें तो ये देखिए लाडो कक्ष, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग दोस्तों, बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। और हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रयास हर गांव में होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मैंने कहा कि ये गांव की बेटियों के लिए, वैसे तो कोई भी आ सकता है लेकिन मकसद ये था। आप देखें यहां पर एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है। देखो दोस्तों कितनी ऊँची सोच है, कितना अच्छा प्रयास है कि जो भी बच्चे यहाँ पर वेट करते हैं बसों का, आधा घंटा, 15 मिनट 10 मिनट, वो अपना समय बर्बाद ना करें, इसके लिए उनके लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। क्या नाम है बेटा आपका? अंशु है जी। अंशु, ये क्यों बनाई है बेटा? एक तो जो नर्वस ब्रेक हुई थी। कड़ा है, मेरे को दिखाओ, आ जाओ, बताओ, आ जाओ साथ, चलो चलो चलो। आप क्या कहते, ये नरू बाबा का क्या इतिहास है, कुछ पता है आपको नरू बाबा जी के बारे में? हाँ जी, सुनने में तो यही आई है कि नरू बाबा की जो लड़की थी, हाँ, उसकी बरात रही थी, मतलब आई थी जी, गई थी उसने लेगा जी, उसने पानी मांग लिया था। अच्छा, बरातिया ने कहा दी होगा जी, उसके बाप ने कोई गदवार की, हाँ, जीव गदवाई थी जी। अच्छा, ये कोई, आज दिखाओ, आज 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 दोस्तों, इस तरह का भाईचारा बहुत कम देखने को मिलता है। और ये देखो दोस्तों, ये भी एक लुंगी है भाई, ये अब पता नहीं इसमें पानी तो है कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक धरोहर को सजा के रखा गया है ताकि लोग देखें और पुराने समय की याद को ताज़ा कर सकें। अब ये नरू बाबा जी हैं, इनका भी एक अपना इतिहास है, और जो ये कुएं हैं इसका भी एक इतिहास है। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ बैठने की कितनी सुंदर व्यवस्था है, और बिल्कुल ऑन द मेन रोड है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी तरह की जो सुविधाएं जो होनी चाहिए, जो हमें सरकार नहीं दे पाती, वो गांव के लोग अगर प्रयास करें। हमें सरकार के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, सरकार की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूँ, मुझे करनी नहीं चाहिए यहाँ पर, सरकार ने करनाल के अंदर इतने श्री पत्नी शौरी रूम के नाम से इतने वो बनाए, और आज की हालत में अगर उनकी हालात को देखें, वहाँ पर से गुजर नहीं सकते आप, करोड़ों रुपए लगा के बनाए, लेकिन गांव के लोगों ने, जो इस गांव के निवासी हैं, एक मिनट दोस्तों, मुझे लाइट मिल नहीं रही यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा पाता कि इतने सुंदर बाथरूम है ये कि आपको अपने घर में भी नहीं मिलेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये मेन रोड सामने से आपको ये गाड़ियाँ नज़र आती जा रही हैं। और ये देखिए दोस्तों, ऊपर भी आप चढ़ सकते हैं, ऊपर भी बहुत ही अच्छी जगह है, अंधेरा है, मैं नहीं जा पाऊँगा। और ये मेन रोड पे है, और ये क्या बेटे, पानी है गए। ये देखिए दोस्तों, राहगीरों के लिए, जैसे पुराने समय में राहगीरों के लिए जब व्यवस्थाएं नहीं होती थी तो इस तरह से कुइयों के साथ में मटके रखे जाते थे, और आज भी बड़े सही हालात में बिल्कुल स्वच्छ और साफ़ सुथरी जगह पे, ये दोस्तों रेत है, रेत का मतलब है कि जब ये घड़ा रेत के अंदर रखा जाता है तो इसका पानी ऑटोमेटिकली ही ठंडा हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ओके बेटे उधर वो भी यही है गे,
ये देखिए दोस्तों, एक तरफ जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए और एक तरफ जो बच्चे हैं उनके लिए, आम राहगीरों के लिए। और ये देखिए कितने सुंदर यहाँ पर गमले लगाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और दोस्तों लगाना बहुत आसान होता है, पैसा तो सरकार भी खर्च देती है लेकिन उसकी संभाल बहुत मुश्किल होती है। उसको संभालना, उसको मेंटेन करना, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बधाई देता हूँ गांव नरुखेड़ी के लोगों को, हमारे जमाट जाट समाज के भाइयों को। और ये इधर आप एक ये कॉलेज देख रहे हैं जो लाइटें जलती जा रही हैं, और ये इधर आपका दादूपुर गांव है। ये देखिए दोस्तों कितनी बैठने की अच्छी सुंदर व्यवस्था, साफ़ सफाई और चारों तरफ पेड़ पौधे। तो दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आप मेरी बात पर थोड़ा सा गौर फरमाएँ कि आपको भी आपके गांव के सभी लोगों को मिलके, चाहे वो पंचायत हो, चाहे पंच हों, सरपंच हों, बाहर गए बच्चे हों, आपके गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हों, कहीं ना कहीं समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने गांव की सुंदरता के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, बेटियों की सेफ्टी के लिए, ये इस तरह के प्रयास आपको अपने मेन अड्डों पर करना चाहिए, ना कि हमें सरकार के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। दोस्तों ये शायद ना पढ़ पाएँ, गांव नरु खेड़ी में धर्मशाला व कुआं का नवीनीकरण दोबारा बनाया। कमांडो गुरमीत नरवाल ने अपने माता पिता श्री मोती राम, माता श्रीमती परमेश्वरी देवी की याद में ताऊ व चाचा श्री रघुवीर सिंह, श्री धन्ना राम, श्री कली राम व भाई करण सिंह, गुरपाल सिंह, जयपाल सिंह की उपस्थिति में गुरपाल सिंह, जयपाल सिंह की उपस्थिति में गांव के मार्ग से 2018 में लाडो धाम का निर्माण करवाया। सिंस 1969 दिलपत भगत पुत्र श्री आशाराम, गांव खेड़ी नरू। तो दोस्तों मैं बधाई देता हूँ खेड़ी नरू के निवासियों को, और स्पेशल धन्यवाद कमांडो गुरमीत सिंह नरवाल जी का, जिन्होंने इतना महान और एक अच्छा कार्य यहाँ पे किया। और दोस्तों खाली आप ये नहीं देखिए, यहाँ पर 15 अगस्त भी मनाया गया, कल यहाँ पर ध्वज भी फहराया गया, कल झंडा फहराया था नहीं यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों हमारा जो भारतीय ध्वज है, कहीं ना कहीं ये भी इस सुंदरता को चार चांद जरूर लगा रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई ये लाइब्रेरी देख के, ये एक ऐसे आदमी का ही काम हो सकता है जो बहुत विजनरी हो, जिसकी समझ हो। दोस्तों आपके गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, देखिए आम आदमी के बस का काम तो ये नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के निर्माण कार्य कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे हल्का असंध में चिड़ाओ मोड़ से लेके और गंगा टेढ़ी पोपड़ों तक जितने भी गाँव के प्रमुख अड्डे हैं, जितने भी प्रमुख स्थान हैं, वहाँ पर आप अपने अपनी श्रद्धा अनुसार, आप चाहें तो आप अपने माता पिता के नाम से, आपके जो खेड़ा है उसके नाम से, और जो भी आपके गांव में महान संत हुए हैं, महान जो हर गांव की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेषता होती है, इस तरह के निर्माण कार्य आप चाहे आपके कैसे भी करके कंट्रीब्यूशन करके पंचायत द्वारा, और मेरे हिसाब से ये कार्य पंचायत का बनता है, पंचायत की इनकम भी होती है, और पंचायत इस तरह के कार्यों को करे तो कहीं ना कहीं। बेटा इस कमरे में क्या है अंदर, वैसे बैठने की जगह, मतलब कुर्सी कर्सी पड़ी है? अच्छा चलो, आपका क्या नाम है? क्या काम करे करे बेटे? कुछ नहीं जी, कुछ तो करता होगा, पढ़ता तो आईलेट्स नहीं कर रहा मेरे, बाहर नहीं जाता, कंप्यूटर सेंटर पर जाओ, बाहर नहीं जाता, दूसरे अमेरिका डोंकी मारदा नहीं। आप बेटे पास करिए, तो भी आईलेट्स करेगी? करेगा, बाहर जाने का सपना है? बाहर क्या मतलब, क्या खासियत है बाहर की बता, हाँ शर्मा क्यों है बाहर किस तरह जाएगा, शर्माएगा तो क्या, बाहर क्यों जाना चाहोगा, मतलब कारण के बतावा, लाइफ सेट करना होते जाओ तो यहाँ कमी है लाइफ में, बढ़िया अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छे जूते पहन रहे, टी शर्ट पहन रहे, सोना जाकत है, क्या कमी है? कुछ करना हाथ कर तो छोड़ना पड़ा है। अच्छा कुछ करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, तो फिर आप यहीं पर पढ़ो बी ए, क्या बारहवीं किससे करी आपने? आठ से करी, तो बीए करो, आगे एमए करो, फिर तैयारी करो, दिल्ली जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी के एग्जाम दो, है मैं दिल्ली जाना हाथ भी तो वो घर छोड़ना अलग बात है बेटे, लेकिन विदेश जाना, विदेशों के क्या हालात है पता है आपको, वहाँ पे भी तो दिक्कतें हो रही है ना आजकल, दिक्कत तो है हर एक जगह, दिक्कत हर जगह है। तो क्या करा मैं
इंगा देख के बोल पीटी करू जी पीटी पीटी कौन से देश में जाएगा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बारहवीं कर ली हाँ क्या तक करी मतलब किस आठ से कितने परसेंट आए 78 कौन से कॉलेज से स्कूल से अच्छा स्कूल से सॉरी ये गांव में है गांव से ही बालविकास अच्छा आईलेट्स कर रहे हैं भाई पीटी कर रहे हैं पीटी कर रहे तो मतलब आप कनाडा जाना चाहते हो अच्छा चलो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में ये अच्छी बात है बढ़िया बात है जी बढ़िया काम कर रहा है क्या अच्छा नरवाल में अच्छा और भी हमारे हरियाणा में सारी जगह होना चाहिए हर गांव में ऐसा होना चाहिए मतलब जो हमारी बहनें हैं बेटियां हैं उनकी सुरक्षा रहती है कम से कम आदमी में डर रहता है दो चार यहाँ बुजुर्ग भी बैठते होंगे किसी की मत नहीं आने जाने वाले की कोई कुछ कह दे हैं तो मतलब आप चाहते हो कि सारे गांव में हर जगह हर एक गांव में होना चाहिए किसकी जिम्मेवारी है ये बनाना बेटे ये अपने सरपंच वगैरह को और ये गांव का जो कोई चौधरी आदमी है जिस पर अच्छी जमीन है उसको ये गांव के लिए काम करने चाहिए चलो और अपने जैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे बेटे बस बढ़िया अपने पढ़ाई करो आईलेट्स पीटी करो बाहर जाओ अच्छा या कुछ नौकरी करो बढ़िया अच्छा और ये मोटरसाइकिल पे घूमना और ये सारा दिन मोबाइल चलाना ये सारे काम छोड़ दो उल्टे काम आपने छोड़ रखे है हाँ जी मोबाइल नहीं आपकी जेब में नहीं जी मोबाइल भी नहीं देख लो मोबाइल नहीं रख रखा था ना नहीं जी मोबाइल नहीं ये कैसे छोड़ा आपने मेरे को बताओ दूसरे बच्चों को शिक्षा लिया ही नहीं जी मैंने लिया ही नहीं हाँ जी अच्छा जी अभी तक क्या करते हैं पिताजी आपके मेरा पिताजी जॉब करते हैं जी किस चीज़ में वैसे उसमें बिजनेस है जी अच्छा बिजनेस है चलो बहुत अच्छी बात है बेटे बहुत बहुत तो दोस्तों देखिए हम चाहते हैं ये हमारा सपना है और आप सब लोगों का भी एक सपना होना चाहिए कि हमारे हर गांव से ये गांव के जो प्रमुख स्थान हैं जिस तरह से आपका बस स्टैंड हो गया या कई गांवों के चलो बस स्टैंड नहीं लगते जहां पर भी आपके जो बच्चे हैं वो जहां से स्कूल जाते हैं जहां पे इकट्ठे होते हैं जहां उनकी बसें आती हैं वहां पर इस तरह की व्यवस्था बहुत होनी ज़रूरी है ये एक एग्ज़ाम्पल है दोस्तों और इस तरह का एग्ज़ाम्पल शायद मैंने मुझे लगता है 30-40 किलोमीटर के एरिया में मैंने तो नहीं देखा और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा और है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने ताकि उस चीज़ को भी हम लोगों को दिखा सकें मैं दोबारा से गांव खेड़ी नरू के सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक ऐसी उम्मीद उन्होंने लोगों के अंदर जगाई और हमारा ये वीडियो बनाने का भी यही मकसद है ताकि लोग देखें और इस तरह का प्रयास करने की कोशिश करें धन्यवाद दोस्तों नमस्कार